Good evening, dear students. Today, we are starting with our very first chapter of Maple Tree, that is English Literature. So, we are starting with the first chapter, and that is When Grandma Came Home. Monty was a lonely child. One day, when Grandma came home, things changed for Monty. Read and find out what happened. Monty is a lonely child. Lonely means akela. Ye Monty hai. This is Monty. And he is very lonely. Monty bahut zyada akela feel karta hai. Akela rehta hai. One day, ek din, uski grandma uske ghar aayi. Aur things, cheeze, badal gayi Monty ke liye. जैसे अगर आपको एक फेरी मिल जाए तो आपके लिए सारी चीज़ें कितनी बदल जाती हैं, कितनी न्यू हो जाती हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू मोंटी एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट चेंज्ड इन हिज लाइफ. मोंटी वाज ऑलवेज सैड एंड एंग्री. ही हैड नो फ्रेंड्स. ही डिड नॉट गो आउट टू प्ले. ही डू नॉट लाइक वॉचिंग टीवी. He also did not like video games. Monty hamesha sad and angry means udaas aur gusse mein rehta tha. He had no friends. Uske paas koi dost nahi tha. He did not go out to play. Wo kahin bahar khelne nahi jata tha. He did not like watching TV. Usko TV dekhna bhi achha nahi lagta tha. He also did not like video games. Usko video games bhi bilkul pasand nahi the. One day, grandma came to visit Monty's family. Ek din, Monty ki grandma aayi uske ghar milne ke liye. She saw her grandson was always sad and angry. Usne dekha ki uska grandson means unka pota. हमेशा सैड और एंग्री रहता था. आई मस्ट टीच माई ग्रैंड सन टू बी हैप्पी, थॉट ग्रैंड मा. अब ग्रैंड मा ने सोचा कि मुझे अपने पोते को, ग्रैंड सन को खुश रहना सिखाना पड़ेगा. ठीक है, टीच मतलब उसको सिखाना पड़ेगा. ये ग्रैंड मा ने सोचा. थॉट मीन्स सोचना. नेक्स्ट मॉर्निंग She went out with her grandson and her favorite bag. Next day, agle din, subha, grandma jo thi, she went out with her grandson. Wo apne grandson ke saath bahar gayi. And her favorite bag. Aur apne favorite bag ko lekar. They went to a lake near the town. Wo ek lake mein gaye, jo ki शहर के पास थी. टाउन मीन्स अ स्मॉल सिटी. ग्रैंडमा वांटेड टू बिल्ड अ राफ्ट. अब ग्रैंडमा को एक राफ्ट बनानी थी. राफ्ट मीन्स अ स्मॉल फ्लैट बोट मेड बाय टाइंग पीसेस ऑफ वुड. एक फ्लैट बोट जो कि वुड के पीसेस को जोड़कर बनी है. द They collected a number of strong bamboos. अब उन्होंने बहुत सारे strong bamboos collect किए जिससे boat बनी है. She then took out a long string. फिर उन्होंने एक लंबा सा string निकाला. String means लंबा सा धागा या रस्सी. Okay? From her bag, अपने favorite bag में से, to tie the ends of the bamboo. जिससे कि बैम्बू के एंड्स को वो बांध दे. सून द राफ्ट वॉज रेडी. सून जल्दी ही राफ्ट तैयार थी. ग्रैंडमा मेड श्योर द राफ्ट वॉज स्ट्रॉन्ग. अब ग्रैंडमा ने अपने आप को श्योर किया कि जो राफ्ट है वो मजबूत है या नहीं. कहीं वो पानी में जाते ही टूट तो नहीं जाएगी, कहीं रस्सी तो नहीं टूट जाएगी, कहीं हम पानी में तो नहीं गिर जाएंगे. तो उन्होंने अपने आप को श्योर किया कि राफ्ट जो है वो स्ट्रॉन्गली बंधी है कि नहीं. शी ऑल्सो फाउंड अ स्ट्रॉन्ग बैम्बू टू यूज़ एज एन ओर.
उसने स्ट्रॉन्ग बैम्बू ओर के ले लिया था. दिस इज ओर. ओर मीन्स जिससे हम राफ्ट को आगे ले जाते हैं. ओके, अ लॉन्ग स्टिक दैट हैज़ अ वाइड फ्लैट एंड. लॉन्ग स्टिक दैट हैज़ अ वाइड फ्लैट एंड, एंड जिससे कि हम लोग बोट को आगे ले जा सकें. हॉप इन मोंटी, ग्रैंडमा सेड हैप्पीली. ग्रैंडमा ने मोंटी से बोला, हॉप इन मोंटी, आ जाओ राफ्ट के अंदर, जंप करो, हॉप करो, कूद जाओ. दे स्टार्टेड रोइंग द राफ्ट इन द लेक. उन्होंने राफ्ट को रो करना शुरू कर दिया, लेक में घूमना शुरू कर दिया. ग्रैंडमा स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स. ग्रैंडमा ने सॉन्ग्स गाए. दे सॉ स्वान्स स्विमिंग इन द लेक. उन्होंने स्वान्स को देखा लेक में स्विम करते हुए. दे ऑल्सो सॉ फिशेज जंपिंग आउट ऑफ वाटर. उन्होंने फिशेज भी देखी जो कि पानी के बाहर कूद रही थी. दे मोंटी क्लैप्ड. अब मोंटी ने क्लैप किया, वो बहुत खुश हुआ. विद जॉय ही वॉज हैप्पी. मोंटी ने बहुत क्लैपिंग की, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ इन सब चीज़ों को देखकर कि ये सब लोग कितने खुश हैं, पानी में रहकर भी कितने खुश हैं. ग्रैंडमा सेड, डजंट इट फील ग्रेट. कितना अच्छा लगता है, क्या तुम्हें खुशी हो रही है? यस ग्रैंडमा, सेड मोंटी. मोंटी ने कहा, यस ग्रैंडमा, हाँ ग्रैंडमा. ही लाफ्ड एंड सैंग अलोंग विद ग्रैंडमा. अब वो खुश हुआ, हंसा और उसने अपनी ग्रैंडमा के साथ गाना गाना शुरू कर दिया. सैंग अलोंग मीन्स उनके साथ गाना गाना. अलोंग विद हर हिज ग्रैंडमा. ओके, उसने ग्रैंडमा के साथ गाना गाना शुरू कर दिया. इससे ग्रैंडमा ने क्या सिखाया उसे कि लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए और अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए. हर तरफ खुशी ही खुशी है. वी कैन फाइंड हैप्पीनेस एवरीवेयर एंड एनीवेयर. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड इट. ओके, सो बी हैप्पी एंड टेक केयर, बी सेफ. थैंक यू.